सभा में मेरो मान हो दसुदा के चैया उपस्थित कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोतागण, आदर के योग्य बुजुर्गो, प्यार करने योग्य बच्चे, सीतांशु या सावित्री जैसी पावन धरा पर पन्ने वाली मातृशक्ति, भगवान की कथा को चलते चलते आज ये पंचम दिवस है। श्री हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के पावन पवित्र तट पर बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव, उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कल के बारे में आप लोगों ने सुना था, सूर्य वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता में अवतार लेके आए। कल सूर्यवंश की कथाएं आप लोगों ने सुनी, सूर्यवंश में भगवान ने अवतार लिया, और आज चंद्रवंश की कथाएं आप लोग श्रवण कर रहे हैं। वैसे भगवान के जितने भी दिव्य अवतार हुए हैं हमारे देश भारत में हुए, जितने भी दिव्य अवतार हुए भारत में क्यों हुए? अगर भारत में हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि भगवान भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो फिर उन्हें जगदीश क्यों कहा गया है? जगत के ईश जगन्नाथ, संपूर्ण संसार के भगवान हैं,
लेकिन भारत में भगवान ने अवतार लिया। इसका कारण क्या है? समाधान की तरफ आए। देखिए, जो संपूर्ण संसार है भगवान का जो ये स्वरूप है, जो शरीर है, ये संपूर्ण संसार है। और शरीर के प्रति हमें कोई पक्षपात तो है नहीं, हमारा शरीर से कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये हाथ है तो हाथ ही हमें ज्यादा प्रिय हो, हमारी आंख है आंख ही हमें प्रिय हो, कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन अगर हमारा एक हाथ टूट जाएगा, काम चलेगा,